friends, welcome back to the Pragmatic Lopa. जब कभी जल्दबाजी में एक बैलेंस्ड हेल्दी और न्यूट्रिशियस सुपर फूड ब्रेकफास्ट खाना हो तो मील प्रेप ही सबसे आसान और अच्छा ऑप्शन है। आज के कीनवा पोहा रेसिपी में जो कुछ भी यूज किया जाएगा लगभग सारी चीजें एक मील प्रेप की तरह पहले से ही बनाया जा सकता है, ताकि जब आप इसे ब्रेकफास्ट की तरह खाना चाहें और बनाने में ज्यादा वक्त न जाया कर सके, तब ऐसे मील प्रेप से किसी वरदान से कम न होगा जब खाना सिर्फ चुटकियों में बन सकेगा। इन कुछ पहले के वीडियोस में देख सकते हैं कैसे कीनवा को पका के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आगे यूज कर सकेंगे जब और जैसे जरूरत पड़े। इसी तरह मूंगफली पहले से ही रोस्ट करके स्टोर कर सकते हैं। डिटेल में देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक्स क्लिक करें। पर आज के वीडियो के खातिर आप लोगों के लिए फिर से इसे पकाएंगे। एक पूरे बोल कीनवा पोहा के लिए 1/4 कप कच्ची कीनवा को उंगलियों से पानी में अच्छे से धोएं, ताकि फाइटिक एसिड और कीनवा के बाहर के एक कुदरती कोटिंग जिसे सैपोनिन कहते हैं वो हट जाए, वरना वो खाने में कड़वापन दे सकते हैं। आप डिटेल में इसके अन्य बेनिफिट्स और पानी में धोने और सोक करने के फायदे भी ये ऊपर के आई बटन्स को क्लिक करके देखें। पैन को गर्म करें, आधा कप पानी डालें, उबलने दें। उबाल शुरू होने पर ये धुला हुआ कीनवा डालें, लिड से कवर करें और धीमी आंच पे 15 मिनटों तक सिमर करें। इसी बीच चलिए अन्य दूसरे प्रिपरेशंस कर लेते हैं। एक छोटा साइज आलू लें, धोएं, पील करें और छोटे छोटे क्यूब्स में काट दें। शायद आपने ध्यान दिया होगा, पीलिंग के वक्त में हमेशा ऐसे किसी भी वेस्ट पेपर की शीट यूज करती हूँ, जिसे बाद में साफ सफाई आसान हो जाती है। अभी तो मेरे पास छोटा वाला नहीं था, इसीलिए आपके लिए यही बड़ा आलू काट रही हूँ, पर सारा आज के पोहा में इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं अक्सर आलू काटने के बाद पानी में धो देती हूँ, ताकि एक्सेस स्टार्च हट जाए। या तो गैस पे उबालें या माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए पकाएं। अगर आपके पास रोस्टेड मूंगफली हो तो 2 टेबलस्पून अलग से रख दें और 2 टेबलस्पून छिलके हटा के ऐसे क्रश कर दें। और अगर ना हो तो तुरंत 4-5 मिनट में रोस्ट कर दें। ठंडा होने पर पहले की तरह क्रश कर दें। अब जरा कीनवा पे नजर डालें। 15 मिनट हो चुके हैं, इसीलिए गैस स्विच ऑफ करें पर ढककर ना हटाएं। 5 और मिनटों के लिए बंद करके ही रखें, ताकि सॉफ्ट और फ्लफी हो जाए। अब एक्सेस पानी हटा दें। देख सकते हैं ये आलू पक गए हैं और कीनवा भी परफेक्टली पक गया है, सॉफ्ट और फ्लफी। अब जब सारी तैयारी हो चुकी है, चलिए शुरू करें। पैन गरम करने रख दें। गरम होने पर 1 टीस्पून अपनी चॉइस का कोई भी तेल डालें। मैंने तिल का तेल यूज किया। अब 1/4 टीस्पून सरसों, 1/4 टीस्पून जीरा, 8 से 9 कड़ी पत्ता, आधा प्याज चॉप किया हुआ, सॉफ्ट और ट्रांसलूसेंट होने पर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 हरी मिर्च चॉप किया हुआ, आधा कप उबले हुए आलू, 3 टेबलस्पून हरी मटर, 2 टेबलस्पून भुने हुए मूंगफली, सब मिलाते रहें। अब पका हुआ कीनवा डालें, अच्छे से मिलाते हुए नमक स्वाद अनुसार डालें। 2 से 3 मिनटों तक पकाएं। आखिर में 2 टेबलस्पून क्रश किया हुआ मूंगफली डालें, स्विच ऑफ कर दें। अब आधा नींबू का रस निचोड़ लें और 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ फ्रेश हरा धनिया पत्ता डालें और गर्मा गर्म सर्व करें। आशा है आप ये न्यूट्रिशियस और सुपर क्विक रेसिपी चाहे ब्रेकफास्ट की तरह या शाम के नाश्ते में जल्दी ट्राई करें। हमेशा की तरह जल्दी से लाइक, शेयर और सब करें अगर अभी तक नहीं किया। मेरे चैनल के अन्य हेल्दी स्नैकिंग रेसिपीज जरूर देखें। ईट हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।